गोल्ड के अंदर दोस्तों बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया तेजी जो है वो आपने देख ली। हमने बात भी करी थी कि 55,800 के ऊपर जो है वो गलती से शॉर्ट मत करना। आपको याद होगा 3 बार फाइनल 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 करके बताया था कि यहाँ से जो है वो अच्छी तेजी बनेगी। वहां से दोस्तों 1,000 पॉइंट जो है वो ऊपर आ चुके हैं। अब क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। आगे क्या गोल्ड अपनी तेजी जो है वो जारी रख पाएगा या होगी खत्म? ठीक है, तेजी में दम या होगी खत्म, आज का टाइटल है दोस्तों। जानते हैं पूरा ये वीडियो के अंदर मेरा ओपिनियन जो है वो जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो एक भी सेकंड जो है वो उसको छोड़ना मत। ठीक है, मैं रवि आप सब लोगों का फिर से आरवी स्ट्रेटजी चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट के ऊपर, फिर बात कर लेते हैं उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सपोर्ट रहेगा दोस्तों 56,450 का लेवल, 56,450 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये लेवल नीचे की तरफ काटते हैं तो फिर यहाँ से गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और 56,050 इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके नीचे 55,700 फाइनल है, उसके नीचे 55,450 और 55,100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। किसी भी कारण से 55,100 काटता है तो 54,500 और 53,900 के लेवल जो है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो दोस्तों सभी लोग बाय 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 कर रहे हैं। आपने नॉइस सुना होगा, देखा होगा अपने आसपास, अपने दोस्तों से बात करोगे तो भी बोलेगा कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है, गोल्ड ऊपर जाने वाला है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डाउट लग रहा है गोल्ड के ऊपर जाने के ऊपर, क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं जाएगा, यहाँ पर चार्ट के ऊपर पूरी पूरी संभावना है। लोग बोलेंगे कि 58,000 आएगा, 60,000 आएगा, लेकिन करंट पॉइंट पे जहां पर अभी हम खड़े हैं लगभग लगभग 56,500-56,600 के आसपास, वो लेवल से एक बार करेक्शन संभव है। ठीक है, तो जिन लोगों के अंदर ये हवा चढ़ी है कि ऊपर आएगा, उनकी हवा एक बार ये निकाल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। 56,450, 56,400 के ऊपर खास ध्यान देना। अगर ये लेवल नीचे की तरफ 1-2 घंटे रुक जाता है, ठीक है, थोड़ी सी खराब पैटर्न बनती है, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न जो है वो खराब बने, तो फिर आप जो है वो अलर्ट हो जाना। अब चार्ट पैटर्न अगर आपको ज़्यादा आइडिया ना हो तो आप मेरे ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो दोस्तों। क्लियर कट बता देता है कि बाय करना है, सेल करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, वो आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आपको जो है वो 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 100% मतलब 100। ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि जो है वो जैसे मैं बोलता हूँ तो वो कैसे उसका जो है वो रिजल्ट आता है। ठीक है, मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको सही गाइडेंस दे सकूँ, तो उससे जो है वो आपका लॉस मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो इंडिकेटर अगर आप देखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप जो है वो इसको समझ सकते हो। तो 56,400 के ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना है। वहां पर अगर नीचे 1-2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रुकता है तो फिर आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 56,825। जब तक ये 56,825 के ऊपर जाके 2-3 घंटे रुके नहीं, तब तक जो है वो तेजी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा तेजी नहीं होगी, यहाँ पर चार्ट के ऊपर पूरी पूरी संभावना है कि 58,000-60,000 दिखेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों करंट पॉइंट के ऊपर अभी क्या हो सकता है। तो अभी हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। 56,825 के ऊपर जब तक जाके 2-3 घंटे रुके नहीं, तब तक जो है वो इसको छूना नहीं है बाय के लिए। अगर उसके ऊपर चलते हैं तो 57,150, 57,550, 57,900 और 58,200-250, 60,000 के लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहली संभावना होगी। ठीक है, दूसरी संभावना क्या है? अगर 56,400 के नीचे चलते हैं तो फिर नीचे एक आध बार जो है वो ये वहां से 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन करेगा, वो करेक्शन कंप्लीट करके फिर ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर तो जाना है लेकिन एक बार यहां पर करेक्शन हो सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहना, इसीलिए मैंने यहां पर जो है वो आपको बताया कि तेजी में दम या होगी खत्म। यहां पर जो है वो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है, अगर आप 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट में काम करते हो तो यहाँ पर जो है वो अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी को खाली 20% रखना, जब तक आपको श्योरिटी ना हो जाए। ठीक
ठीक है, नहीं तो ये फंसा सकता है, ऐसे लेवल पर ये आ चुका है। आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में आया था तब बता दिया था कि 55,800 जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर गया मतलब भयानक तेजी। 3 बार फाइनल 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 बोला था, देख लिया आपने, 1,000 पॉइंट ले लिए, किसी ने 1,000 लिए, 500 लिए, 200 लिए, 400 लिए। ठीक है, मेरा यही एम रहता है, टारगेट यही रहता है कि हमारा SL ना हो और जो है वो मैक्सिमम आपको जो है वो प्रॉफिट हो। इस हिसाब से जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप जो है वो मेरे ट्रेडिंग इंडिकेटर अगर यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बाकी वीडियो में आके तो मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, जितना मुझे नॉलेज दिया है भगवान ने उस हिसाब से मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि क्या क्या संभावना मुझे लग रही है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो अगले वीक के लिए क्या हो सकता है, आप इसमें अगर काम करो, इससे पहले अपने एडवाइजर की एक बार जो है वो सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर जरूर करें ताकि हमारी जो फैमिली है वो भी धीरे धीरे बड़ी हो सके। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।